हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिरयानी मसाला बनाएंगे। तो बिरयानी मसाले का जो पाउडर होता है वो घर पे ही बनाएंगे और बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। आप किसी भी बिरयानी में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। बिरयानी मसाला पाउडर बनाने के लिए हमने ली है यहाँ पे 8 इलायची, आधा चम्मच ली है लौंग और 7 लिए हैं बड़े इलायची, और दालचीनी के कुछ टुकड़े लिए हैं 6, 5-6 टुकड़े लिए हैं छोटे छोटे, और तेज पत्ते ले लिए हैं 5-6। और उसके बाद ये देखिए, ये दगड़ी फूल है और 2 दगड़ी फूल लेना है हमको। 2 दगड़ी फूल ले लिया है, और ये जायफल है, आधा जायफल लिया है मैंने, और 1 चम्मच ली है काली मिर्च, और ये नाग केसर है जो आधे चम्मच से भी कम लिया है मैंने, जिसे नागेश्वर भी बोलते हैं, और 5 ले ली है मैंने यहाँ पे साबुत मिर्चे। तो देखिए ये हो गया, और भी मसाला हमें चाहिए होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साई जीरा, और ये लिया है मैंने जावित्री, ये भी 1 चम्मच ही ली है, और हल्दी ले लेंगे हम। तो हल्दी पाउडर लिया है मैंने। तो अब इन सारे मसालों को हमें रोस्ट करना होगा। ये सारे मसाले हम रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ एक पैन चढ़ा दिया है और सब मसाले डाल दूंगी मैं, सिर्फ हल्दी नहीं डालूंगी क्योंकि वो पाउडर है, तो उसे हम लास्ट में इन मसालों को जब पीसेंगे ना, पाउडर बनाएंगे, तब ऐड करेंगे। तो तेज पत्तों को मैं थोड़े टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाए ये। तो तोड़ लिया है मैंने, और बस इन्हें हल्का सा रोस्ट करना है, इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए धनिया, जीरा, साई जीरा और सौंफ, ये सारी चीज़ें भी डाल दी, सारे खड़े मसाले जो थे वो सब डाल दिया है मैंने, और हल्दी अभी बचा कर रखी है। तो अब इनको रोस्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा इनको रोस्ट नहीं करना है, इनका कलर हमें चेंज नहीं करना है, हल्का सा रोस्ट करना है, और फिर हम इन्हें ठंडा करेंगे। तो देखिए तेज पत्ता और तोड़ लिया है मैंने, और इनको रोस्ट कर लेते हैं हम। तो स्पैचुला चलाते रहिएगा रोस्ट करते टाइम, नहीं तो नीचे से जल जाएंगे। तो देखिए बस हल्का सा रोस्ट किया है मैंने यहाँ पे, और हमारे मसाले हल्के रोस्ट हो गए हैं। हम इनको ठंडा कर लेंगे। अब ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में मैं इनको डाल देती हूँ। तो देखिए सारे मसाले मिक्सर जार में ऐड करना है, और जो हल्दी पाउडर रखा था ना हमने, वो भी डाल देंगे, और फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और एक महीन पाउडर बनाना है हमें। तो देखिए महीन पाउडर बन गया है, और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। हमारा बिरयानी मसाला रेडी है। आप किसी भी बिरयानी में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग।